स्नूकर और टेबल टेनिस खेलने का सिस्टम, स्नूकर टेबल वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, टेबल टेनिस वगैरह लगा हुआ है। बाली अगर किसी को भी आना हो तो आने वाले 2-3 ब्लॉक में बहुत सही सही चीजें हम लोग ने आइटनरी अभी कुछ तो लिंक है भाई मुझे, मतलब मैं या तो गूगल करूंगा। विक्ट्री जिम 50,000 पे कर दिया, अब जिम देखते हैं कैसे। ये कुछ लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो नहीं भी जानते ना तो भाई जाते फिरते ना ये लोग स्माइल पास जरूर करेंगे। तो भाई स्कूटी में भी घूमने के ना अपने अलग ही मजे हैं यार। भाई ये था हमारा छोटा सा बेड, ऊपर फर्स्ट फ्लोर टाइप में था। रात को अपना पार्टी वार्टी करके आए, पूल पार्टी टाइप थी। खाने की जगह नहीं मिली तो यहीं पे सुखा दिया। यहाँ पे भाई अभी कोई जर्मनी से बंदा था, वो जा चुके हैं और यहाँ पे भी थे और नीचे भी। अरे दोनों खाली हो गया ना अंकुर भाई, यहाँ से बाहर का सिस्टम नजर आ रहा होगा तो दिखाते हैं। हाँ भाई आ तो रहा है। तो भाई वो रहा अपना पूल, अपने बेड से ही नजर आता है बढ़िया, तो अभी यहीं पे बाहर जाके बढ़िया कूद जाएंगे। अपना बेस्ट चीज ये है कि खैर ये तो मेरा बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है, रात को आया तो सेटअप वेटअप कर ही नहीं पाया। और यहाँ पे बढ़िया से कवर दिया हुआ है और भाई यहाँ पे लॉकर वॉकर भी दिया हुआ है। ठीक है चलो भाई यहाँ पे बढ़िया से अपना नंबर वगैरह डाल के लॉक लॉक शायद से हो जाता है, पता नहीं मैंने अब तक किया नहीं है। और यार यहाँ पे एक और अभी दिखाता हूँ नीचे से चल के कि कैसा है रूम, मतलब बाहर से पूरा एंट्री देकर। भाई अभी अभी उठा हूँ, वेलकम बैक टू माई चैनल। यहाँ पे बज गए हैं 11, रात को सोए थे अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 3-4 बज गए थे रात को भाई सोते सोते। अभी भाई वैसे उठना नहीं था बट यहाँ पे क्या है ना 8 लोग मतलब एक ही रूम में, तो मतलब 2 से जर्मनी से और 2 से सिंगापुर से, तो भाई वो सुबह सुबह निकले तो उन्होंने शोर वोर मचा दिया तो इसलिए नींद खुल गई। आज है संडे का दिन और यहाँ पे कुछ पार्टी वार्टी का माहौल होने वाला है बाहर, पहले तो नहाएंगे और फिर पूल वूल में कूदेंगे बढ़िया। वहां से है अपनी एंट्री हॉस्टल की, ये थोड़ा बार टाइप सा हो जाता है, रिसेप्शन है ये अपना। यहाँ पे है पूल भाई बढ़िया सा, उधर है स्नूकर और टेबल टेनिस खेलने का सिस्टम, और भाई इधर है वॉशरूम, इधर है सारे रूम्स भाई, ऊपर भी है अपने रूम्स वो मैं ऊपर से दिखाऊंगा। और भाई ये है अपना रूम जिसका पासवर्ड डालते हैं भाई 1100#, और भाई अपना खुल जाएगा। और भाई खुलते ही अपना ये है भाई, ऐसे 4 नीचे बेड लगे हुए हैं और 4 ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई सिंगापुर से बंदा भाई आए हुए थे वो चले गए भाई। यहाँ पे अभिषेक का बेड है, ये वाला अपना वाला बैग है, मतलब जो हम इंडिया से ही लाए हैं, मेरे और अभिषेक के कपड़े वपड़े हैं इसमें। ये वाला भाई यहाँ से भी कोई सिंगापुर से आया होगा, ये वाला भाई फिर अपने अंकुर भाई का एडिटिंग अभी भी चल रही है बढ़िया है, हार्ड वर्किंग गाय। ये भाई उनका बैग अच्छा बढ़िया, लाइट लुइट सब भाई बढ़िया। चलो ठीक है, ये वाला पता नहीं किसका था, ये वाला है भाई फिर मेरा भाई। बस मेरे वाले में ना एक प्रॉब्लम है, प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि यार ये ना यहीं तक बंद होता है और भाई फिर उसके बाद ये बंद ही नहीं होता यार। भाजी ऐसा क्यों है मेरे साथ? तू करना क्या चाहता है पूरा पहले तो ये बता ऑडियंस को, ऊपर वाले बेड में कमी है थोड़ी। चलो कोई नहीं भाई, चल जाता है अपना, 2-4 दिन की बात है शायद। पिलर आ रखा है भाई ऊपर, पिलर आ रखा है। हाँ भाई ये पिलर के चक्कर में ही। चलो कोई नहीं, तो आज का प्लान कुछ ऐसा रहने वाला है, आज का प्लान क्या होने वाला है ये तो बताओ भाई। भी डिसाइड ही नहीं करा हमने, अभी सोकर उठे 12 बज गए। चलो कोई नहीं भाई, तो देखते हैं भाई आज का प्लान क्या रहने वाला है और फिर कुछ अच्छा ही रहेगा भाई, क्योंकि बाली है तो ऑफकोर्स एक्साइटिंग तो रहेगी चीजें। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरा वाला बेड पहले ये वाला था, बट यार इसमें ये वाली प्रॉब्लम थी यहाँ पे, तो भाई मैंने अब ले लिया है अपना ये वाला बेड ऊपर से, वहां से भाई यहाँ नीचे शिफ्ट कर लिया है। रीजन बीइंग मैंने उनको यार एक ही बार बोला कि भाई रिक्वेस्ट क्या करी, मतलब मैंने उनको एक ही बार बोला वो मान गया, क्योंकि भाई यहाँ से अभी अभी खाली हुआ था ये वाला बेड, और भाई इस वाले बेड में भी कोई आ गया है अभी, और इधर भी कबड़ है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर अपना उधर आराम से बैग वैग रख सकते हैं। तो भाई किसी को भी आना हो, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मैक्स टू मैक्स 700-800 रुपीज मिलेगा। और भाई यहाँ से इधर अगर बाहर ये खोलते ही, यहाँ से भाई अगर मैं खोलता हूँ तो भाई यहाँ से पूरा पूल का लुक आ जाता है, इधर से ये पूरा पूल का सिस्टम हो जाता है भाई। यहाँ पे बढ़िया आराम से लोग सन बाथ वगैरह ले रहे हैं। अभी ये अपना ब्रेकफास्ट शुरू हुआ है यहाँ पे, और भाई ब्रेकफास्ट में अपना यहाँ पे कुछ नाम नहीं बता सकता भाई मैं क्या है भाई, ये कुछ चिकन वाली आइटम होगी। व्हाट इज दिस जैसे कि अपना यहाँ पे थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी चल रही है, और भाई इधर अपना स्नूकर टेबल वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे टेबल टेनिस वगैरह लगा हुआ है तो बढ़िया है। इधर अपना आ जाता है लॉकर्स, और भाई इधर आ जाता है कॉमन वॉशरूम्स, है ये सबके लिए ही है, मतलब जो भी है ये बॉयज हो जाएगा, वो वाला अपना गर्ल्स वाला हो जाएगा,
और ये ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, बहुत छोटा है, बट किसी ने आना हो तो भाई बेस्ट है, चिल करने के लिए बहुत सही है। चलो भाई, तो कुछ ऐसे बोल में खाने के लिए। So, आज की आइटनरी कुछ ऐसे रहने वाली है। आज तो यार हमारा कहीं पे जाने का प्लान है नहीं, क्योंकि यार आज अपना संडे है और भाई संडे यहीं पे ही अपना बढ़िया सी पूल पार्टी वगैरह चल रही है, और ये पूरी शाम तक चलेगी और शाम को देख सकते हैं भाई कहीं पे अगर पार्टी वार्टी जाना, तो बाली अगर किसी को भी आना हो तो आने वाले 2-3 ब्लॉग्स में बहुत सही सही चीजें हम लोगों ने आइटनरी अभी बनाई है, तो उस आइटनरी देखते हैं कि क्या क्या चीजें कवर करेंगे, मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर है 21st को हम लोग यहाँ से जाएंगे दूसरी कंट्री में, वो आपको पता लग जाएगा कौन सी कंट्री जाएंगे। और भाई यहाँ पे अपना जैसे मैं दिखा चुका हूँ रिसेप्शन एरिया है और बार है, और ठीक है भाई आज यहीं पे एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा आपको यहीं करूंगा, पर भाई अभी सोच रहा हूँ कि मैं जिम हुआ हूँ, क्योंकि अभी कुछ ऐसा पार्टी वार्टी यहाँ पे हो नहीं रही है इतनी, तो सोच रहा हूँ जिम हुआ हूँ, जिम में थोड़ा वर्कआउट करके आऊंगा, चलते हैं जिम। फाइनली मन बना लिया है और अपना निकलते हैं जिम, क्योंकि भाई वहाँ पे अभिषेक और नवंकुर भाई अपना पूल वूल में घुस गए थे, मेरा मन नहीं था भाई रात को इतनी पूल पार्टी करके आए हैं कि भाई अब बिल्कुल भी मन नहीं था पूल में जाने का, तो भाई थोड़ा सा हो रहा था बोर, तो मैंने कहा भाई क्यों ना चला जाए जिम, क्योंकि यार 3-4 दिन से जिम गया नहीं हूँ मैं, इंडिया में अभी अभी जिम रेगुलर हुआ था और भाई यहाँ का प्रोग्राम बन गया। अब भाई जो मैं बाहर हूँ वो हूँ 15-20 दिनों के लिए, 15-20 दिन ट्रैवलिंग ही में ही निकल जाएगा, तो भाई जिम तो ज़रूरी है। तो अभी मैंने कोई चेक किया है विक्ट्री जिम करके कुछ यहाँ पे है, मैंने पूछा रिसेप्शन से, तो कह रहे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस वगैरह इंग्लैंड वगैरह जहाँ से भी आते हैं वो भाई इसी जिम में जाते हैं, बहुत चीप एंड बेस्ट है, तो देखते हैं भाई चल के कैसा है जिम। ऐसी है कुछ अपनी बाली की गलियां, बाली की सड़कें, और भाई ये अपना छोटा सा कोई रेस्टोरेंट है, ये कोई भाई ओ कॉफी शॉप है यार, ये बढ़िया। चलो भाई है तो वैसे बढ़िया भाई, बाली की वाइब्स अलग ही है, मतलब ना बाली की वाइब्स कुछ ऐसी है जैसे गोवा की थोड़ी बहुत वाइब्स होती है ना, बट गोवा से बहुत ऊपर है, क्योंकि यार गोवा में ना अब कुछ ऐसा हो गया कि बीचेस वगैरह बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कुछ बीचेस अच्छे हैं, बट कुछ कुछ बीचेस में ना गंद सा मच गया है, बट ठीक है यहाँ पे जाके बीचेस एक्सप्लोर करेंगे, सुनने में आया बहुत अच्छे बीचेस हैं। जैसे कुछ डिजाइनर शॉप्स होती हैं यहाँ पे, और प्राइजेस भाई मेरे को नहीं पता क्या है, ये एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो ठीक है भाई लगभग इंडिया जैसा है भाई। ऐसे होती है कुछ लॉन्ड्री की शॉप्स यहाँ पे, बहुत जगह मैंने लॉन्ड्री की शॉप्स देखी, क्योंकि भाई ज्यादातर ये जो टूरिस्ट स्पॉट है तो भाई यहाँ पे लॉन्ड्री की जरूरत तो सबको पड़ती है, क्योंकि यार यहाँ पे क्या सीन है ना, चलो मैं उसका बता दूं, बट ये है मनी एक्सचेंज, यहाँ पे सारे प्राइजेस लिखे हुए हैं, किसी को पढ़ना तो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ तो भाई मैं उसके बारे में बता रहा था लॉन्ड्री के बारे में, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग आते हैं वो आते हैं वेकेशन पे, फ्रेंड्स वगैरह आ गए या फिर कपल्स आ गए, कोई भी आ गए, तो भाई यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स आ रही हैं, और भाई सोलो ट्रिप पे बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे बाली, फ्रेंड्स बनाना यार यहाँ पे बहुत ज्यादा ईजी है, खुद ही लोग आते हैं आपको अप्रोच करेंगे वेर यू फ्रॉम और बात करने की कोशिश करेंगे आपसे, तो भाई इट्स जस्ट आपको इंट्रोवर्ट नहीं होना है, एक्सट्रोवर्ट होना है, अगर एक्सट्रोवर्ट हो गए तो भाई खुद ही लोग आपसे बात करेंगे और खुद ही चिल मारेंगे, तो बहुत बढ़िया सीन है, और वो भी अपनी कंट्री की नहीं दूसरी कंट्री की, देख के चलना बहुत पड़ता है, क्योंकि पीछे से आके 2 बार ऐसा हो चुका है मेरी जो गाड़ी यहाँ से निकलती है उसका शीशा वगैरह मेरे हाथों पे लग जाता है, तो बहुत देख के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भाई साइड में पासवे नहीं बना हुआ जिससे आप चल सकते हो, तो ठीक है देख के तो भाई इंडिया में भी चलना पड़ता है, बट यहाँ पे कुछ रोड सारी छोटी रोड्स मुझे मिली है, बहुत बड़ी रोड नहीं मिली, अब जैसे यार ये है काफ़ी ना अलग अलग, जैसे पुराने ज़माने की चीज़ें होती है ना वैसी कुछ यहाँ पे चीज़ें देखने को बहुत मिलती है। और एक चीज़ और भाई मुझे कल ही पता चला है कि यहाँ पे इंडोनेशिया से बाली से स्पेशली रामायण का कुछ लिंक है, तो वो मैं किसे पूछ के बताऊंगा, यहाँ पे भाई किसी से ही पूछो ना कि यू नो रामा या फिर सीता जी रावणा, तो वो भाई जानते हैं, कुछ तो लिंक है भाई, मुझे मतलब मैं या तो गूगल करूंगा या फिर किसे यहाँ पे लोकली पूछूंगा कैसे जानते हो भाई। ऐसे अपने छोटे छोटे टेम्पल्स बने होते हैं, टेम्पल्स तो नहीं है ये, घर है किसी का, बट बाहर के लोग कैसे, जैसे इंडिया पे टेंपल्स होते हैं, यहाँ पे सर्कल के सुपरमार्केट इतने देखने को मिल जाएगी ना, मुझे लगता था कि यार ये सिर्फ कनाडा में, क्योंकि मैंने कनाडा का तो सुना था कि सर्कल के सुपरमार्केट्स बहुत ज्यादा है, बट यार यहाँ पे भी हर दूसरी दुकान हर दूसरा सुपरमार्केट सर्कल के, यहाँ पे ना फ्लैग्स वगैरह लगे होते हैं, अब ये पता नहीं भाई है किस चीज के फ्लैग्स, जैसे अब ये है ये कोई होटल है, होटल के लोग ऐसे दिए जैसे मंदिर वंदिर के लोग नहीं होते इंडिया में वैसे कुछ, मैं ये फ्लैग्स का पता करना पड़ेगा किस चीज के फ्लैग्स है, खैर इंडिया में तो इतना होता है जब कोई स्पोर्ट्स डे वगैरह चल रहा होता है या फिर कोई जैसे 15 अगस्त वगैरह आना हो, बट यहाँ विक्ट्री जिम की लोकेशन यहीं कहीं पे खत्म हो गई है, तो मैं पूछता हूँ हे वेयर इज विक्ट्री जिम, विक्ट्री विक्ट्री जिम 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 या जिम वेयर इज इट, इनसे पूछा इनको तो पता ही जिम है कहाँ पे, लेकिन लोकेशन भाई यहीं पे खत्म हुई है, विक्ट्री जिम इज विक्ट्री जिम विक्ट्री विक्ट्री जिम डोंट नो, तो भाई क्या सीन है, लोकेशन तो यहीं पे खत्म हुई है, तो गया कहाँ जिम ब्रदर, वेयर इज विक्ट्री जिम विक्ट्री विक्ट्री जिम दिस ओके थैंक यू। तो भाई इन्होंने अभी बताया यहाँ पर है कहीं पे विक्ट्री जिम,
तो एक बार देखते हैं भाई है भी या नहीं है होना। ओ ये रहा भाई, ये लिखा हुआ विक्ट्री जिम। हेलो भाई, हेलो कर रहे। ठीक है भाई, अंदर चल के पूछते हैं क्या प्राइस है एक दिन का। एक्सक्यूज मी, ओ ओ हेलो, आर दे फ्रेंडली? या फ्रेंडली। ओके ओके, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द जिम ओवर हियर? वी आर हियर दिस। ओह ओके, तो फॉर वन टाइम 50K भाई, 50,000 है एक बार विजिट के। मतलब भाई मेरे पास अभी 50,000, जैसे मेरा 20,000 का नोट है, तो 20,000 और 20,000, अच्छा 3 नोट ले लेंगे भाई, 10,000 वापस कर देंगे। ठीक है भाई, अगर 7 बार का लेना है तो 300K, मतलब 3,00,000। ठीक है भाई, पैकेज तो हमको लेना ही नहीं भाई यहाँ पे। ठीक है भाई, तो एक बार का पे करते हैं और 50,000 में जिम करते हैं अपना, बढ़िया एक घंटा। तो 50,000 है अपना एक दिन का, तो 50,000 अगर इंडियन करेंसी में करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 250 से 300 रुपये। तो ठीक है भाई, करते हैं बढ़िया जिम, एक घंटा वर्कआउट करने के बाद कूदेंगे उधर पूल में। तो इतना 50,000 पे कर दिया, अब जिम देखते हैं कैसे कैसा है। अरे भाई चलो भाई, जिम तो ओके लग रहा है, बढ़िया जिम है ये, कुछ लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं, छोटा है मतलब काफी बड़ा नहीं है, बट इट्स ओके भाई, अच्छा जिम है। आज तो वर्कआउट करने वाला वो होगा मिक्स सारा, पहले भाई अपनी मारूंगा चेस्ट, फिर वहाँ पे कोई बैक की मशीन होगी, ढूंढ मशीन्स भाई ढूंढनी पड़ेंगी नई जिम में आगे, ये बहुत दिक्कत होती है भाई, मशीन्स ढूंढनी पड़ती है, चेस्ट बैक जहाँ भी होगी, मतलब बाइसेप्स ट्राइसेप्स शोल्डर्स और थाइस देखूंगा मारूंगा या नहीं मारूंगा, क्योंकि थाइस में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो रहा है। 5 या 6 मारूंगा मतलब, लेकिन 5 बॉडी पार्ट सारे कवर कर लूँगा। लिया 5,000 इंडोनेशियन भाई, तो मेरे को जिम पड़ गया अब। 4,000 पहले दिए थे और 5,000 का भाई। यहाँ का कहने को मिनरल वाटर है, बट इतना गंदा टेस्ट है ना भाई, क्या बताऊँ, मतलब जैसे वहाँ का टैप वाटर का होता है ना, जैसे बोरिंग वाले पानी का, वैसे कुछ टेस्ट ना। चेस्ट का वर्कआउट हो गया कंप्लीट, अब भाई करते हैं बैक। भाई बैक की मशीन, या तो नई जिम में ना जिम मशीन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो भाई ये रही अपनी बैक की मशीन, और देखते हैं भाई क्या वेट मारेंगे, क्योंकि हर जिम का ना वेट एक तो डिफरेंट होता है, तो देखते हैं क्या वेट मारेंगे। डन विद बैक का वर्कआउट, और भाई यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, ओए होए भाई, यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस किया, इंडिया में होता ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड ऑल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, बस इसी हाइट की बिल्डिंग मिलेगी, इससे ऊपर मिलेगी, मतलब एक या दो या तीन, दो फ्लोर मैक्सिमम, उससे ऊपर भाई कुछ होगा ही नहीं। तो ठीक है भाई, इससे बढ़िया रहता है यार, मतलब और एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया है ना भाई, ऐसी फ्रेश एयर सी फील हो रही है, क्या ही बताऊँ। स्कूटी में ज़्यादातर लोग घूमते रहते हैं भाई यहाँ पे, मतलब गाड़ी तो दिखती नहीं है बिल्कुल भी, स्कूटी है बाइक दिखेंगी। तो भाई ट्राइसेप्स मारने की जो रॉड होती है ना यहाँ पे, सिर्फ ये रोप ही है भाई, रॉड वो लंबी वाली है ही नहीं। चलो भाई इसी से मार लेते हैं। जिम तो एकदम सेम है एज कम्पेयर टू इंडिया, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई कंट्री टू कंट्री जिम का वेरी करता है भाई, सारे जिम एक जैसे होते हैं, थोड़ी बहुत मशीनों का फर्क होता है या फिर वेट का फर्क होता है, कुछ LBS में होता है, कुछ KGs में होता है, तो वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बाकी तो ठीक है भाई, सब एक जैसा है, सब बढ़िया है। यहाँ पे है ट्रेडमिल्स, ये भाई कैलिस्थेनिक्स के लिए है, जिसको करनी हो, मैं तो भाई आजकल कर नहीं रहा। ये है भाई अपना एब्स या फिर एरोबिक्स वगैरह का एरिया हो गया, या फिर कार्डियो का एरिया हो गया, यहाँ पे और थोड़े बहुत वेट्स हैं, और ये रहा तुम्हारा भाई। हालत कुछ ऐसी हो गई है कि वर्कआउट पूरा कर रहा हूँ भाई, भाई वीडियो बनाने के लिए तो कोई है नहीं यहाँ पे, क्योंकि भाई सारी अंग्रेज है कि आई मेरा कैमरा पकड़ेंगे, है ना, और कि मना मुना कर दिया उन्होंने तो बेस्ती बुस्ती हो जाएगी, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। बाकी जहाँ पे भाई रख के मैं वीडियो बना पा रहा हूँ वहाँ पे बना रहा हूँ, बाकी सब चलते हैं और 10-15 मिनट और वर्कआउट करूँगा, सब चलेंगे भाई। ये जो दो मशीन्स है ना, ये जब मैं छोटे होते जिम जाता था भाई, मतलब मान लो 500-600 रुपये महीना वाली जिम में जाता था, वहाँ पे होती थी भाई, अब के जिम में एनी टाइम हो गया, क्रिस गेटिंस हो गया, गोल्ड हो गया, भाई ये वाली मशीन्स मिलती ही नहीं है, और भाई जबकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मशीन्स होती थी अपने ओब्लिक्स के लिए, मतलब ये साइड्स के लिए होती है। तो करते हैं अब शोल्डर का वर्कआउट, मशीन ढूंढनी पड़ेगी, अगर ये ना होती तो भाई फिर डंबल से मारने पड़ते, पर इससे कर लेंगे। एक चीज़ नोटिस करिए, फॉरनर्स के मतलब फॉरनर्स एज इन मतलब इंग्लैंड के हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, या फिर रशियंस हो गए, इनके भाई एक चीज़ अच्छी है, अगर आप इनको नहीं भी जानते ना, तो भाई जाते फिरते ना ये लोग स्माइल पास ज़रूर करेंगे, और कुछ गलत वे में नहीं, नॉर्मल वे में, जैसे एक उतना ग्रीट करते हैं, जस्ट दूर से अपने आप ही स्माइल करेंगे, तो भाई हमको भी स्माइल करनी पड़ती है, पर अच्छी चीज़ है भाई, यहाँ पे भाई लड़की हो, लड़का हो, या फिर कोई एजेड हो, या बुढ़ा हो, या बुढ़ी हो, कोई भी भाई, सब देख के स्माइल ज़रूर करेंगे आप। जब मैं आया हूँ यहाँ पे, कुछ रशियंस हैं, ये इंग्लैंड वगैरह से हैं या ऑस्ट्रेलिया से है, पता नहीं, तो भाई देख के सबने स्माइल करी, तो ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी नए जिम में आया, ऐसा लग रहा है भाई सबको जानता हूँ, ये पहला दिन है मेरा। फाइनली डन विद द वर्कआउट, बहुत बढ़िया वर्कआउट हुआ, मज़े से आ गए, थोड़ी बहुत करेंगे पूल पार्टी,
तो चलो भाई। ओहो भाई बहुत ही गंदी धूप हो रही है यार। इंडिया में तो यार बढ़िया स्क्रब मास्क वगैरह लगा के गोरे होते हैं, यहाँ पे भाई इतनी गंदी टैनिंग होने वाली है ना, इतनी धूप पड़ रही है। और भाई कपड़े पहनेंगे तो गर्मी इतनी लगती है, सब सैंडोज या फिर चाहे वो पहन लेंगे लोअर, लोअर तो खैर भूल ही जाओ, शॉर्ट्स वगैरह बस। इंडिया में तो इसको जीप बोलते हैं, पर भाई यहाँ पे जीप से बहुत ही छोटी और बहुत सही बनाई हुई है भाई, अच्छी लग रही है, लेकिन है बहुत ही पुराना मॉडल। अभी ना गाड़ी को ऐसी नहीं, लास्ट टाइम चाइना गया था वहाँ पे भाई 3-3, 4-4 लाख गाड़ियाँ चली हुई थी और बिल्कुल नई जैसी लग रही थी, पर भाई यहाँ पे भी सेम ऐसे ही चीज़ है कि मतलब 2-2 लाख गाड़ी, अभी हम पीछे कैब में बैठे थे तो अप्रॉक्सीमेटली भाई वो 2 लाख के आसपास चली हुई थी और ऐसा लग रही थी कि भाई अभी मतलब परसों शोरूम से निकाली है। रोड्स का भी हिसाब होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बट भाई रोड्स बहुत अच्छी हैं, बस यहाँ पे रेड लाइट वगैरह मतलब सिग्नल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई वो इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है। देखते हैं भाई अगर पूल वूल खुला होगा तो कूद जाएंगे पूल में। भाई तो अपना हॉस्टल पहुंच गए, यहाँ से अंदर जाके हॉस्टल, ये अपने बाहर एकदम सुपर मार्केट है, यहाँ पे सब चिकन विकन सब कुछ ही मिल जाता है। टोटल अप्रॉक्सीमेटली पड़ गया जिम जो मुझे पड़ा वो पड़ा 300 रुपए का, क्योंकि 2000 years later। तो भाई स्कूटी में भी घूमने के ना अपने अलग ही मजे हैं यार, क्या जगह है। अभी तो भाई मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ इसलिए जगह पे, तो भाई यूरोप से भाई कम नहीं लग रहा, मतलब मैं यूरोप नहीं गया, फोटोज वगैरह भी देखा है, बट भाई ऑसम प्लेस वाली यार, मतलब दोबारा आना तो बनता है, वन टाइम प्लेस नहीं, कुछ प्लेस होते हैं वन टाइम होते हैं, भाई ये वन टाइम नहीं है। फिर उसके बाद ये वाला होटल जो हमने देखा था, यहाँ पे एक कैफे है और भाई अपना होटल है, यहाँ से जाकर मतलब अपना नहीं है जो हम देखने आए थे, मे बी कल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो भाई ऐसा है कुछ यहाँ से व्यू, वहाँ पे शायद से सनसेट हो रहा है या हो गया है, जैसे मैंने बताया खाली जगहें बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी मेरे ख्याल से डेवलप हो रहा है। भाई अब समझ आता है कि क्यों सब लोग बाली बाली भागने ही करते, हल्की जगह ट्रिप कर दिया बाली आ गए, क्योंकि भाई टिकट थोड़ी सी महंगी हो गई है। मैंने अभी भी चेक करा था, जो मैं टिकट आपको कह रहा था कि आपकी होगी 20-22 हज़ार रुपये की, वो हो रही है भाई 32,000 रुपये की एक साइड, तो टिकट तो भाई 50,000 की मान के चलो लगेगी लगेगी। यहाँ पे भाई सस्ता है, मतलब ये वाला होटल जो मैंने आपको दिखाया है 1,000 रुपये का, तो भाई क्या ही गलत है बताओ।